चलिए लेट अस कंटिन्यू विद ट्राइंगल्स. राइट डाउन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ सच दैट एबी इज 4, बीसी इज 3.5 एंड सीए इज इक्वल टू 2.5. मोर ओवर वी आर गिवन डीएफ is equal to 7.5. find perimeter of triangle. मुझे लगता हो नहीं गया था उस दिन. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ये निकालना था. कैसे किया था हमने? पेरीमीटर दो सिमिलर ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. So, हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ एबीसी ओवर पेरीमीटर ऑफ डीईएफ लिख सकते हैं. और जो साइड्स हमें दी हुई है एबीसी की तो सारी साइड्स गिवन है. डीईएफ की जो साइड्स दी हुई है उसके साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं. डीएफ गिवन है हमें डीएफ एंड एसी. दिस इज एसी ओवर डीएफ. पेरीमीटर ऑफ एबीसी आपके पास 10 आ जाएगा. दिस इज पेरीमीटर ऑफ डीईएफ. एसी इज 2.5. DF is 7.5. Solve and get the answer for DF. It will come out to be 30. Next question. We are given a triangle PQR. This is given to be 2.4 PA. AQ is given to be 3.6. This is given to be 3.2 and this is 4.8. This is 2 and this is X. We want to find the value of X. अब यहाँ पे हमारे पास जो कोई भी सिमिलैरिटी या कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टू ट्राइंगल्स फॉर The concept of similarity. अगर हम देखें जरा 2.4 को 3.6 से डिवाइड करके तो इट विल बी 2/3. सिमिलरली अगर 3.2 को 4.8 से डिवाइड करें दैट विल ऑल्सो बी 2/3. यानी कि वी आर हैविंग द रेशियो ऑफ पी ए ओवर ए क्यू इज इक्वल टू पी बी ओवर बी आर. ये रेशियो हमारे पास इक्वल आ गई. एंड मोर ओवर these two triangles, if I'm talking about PAB and PQR, AQR, PQ के साथ भी वो आ ही जाएगा. PQ के साथ भी आ जाएगा. एक मिनट, ये देखो यहां से ये भी तो अप्लाई हो ही रहा है कि अगर PA over AQ इसको दो मिनट के लिए छोड़े. एक्चुअली दो ट्राइंगल जो हमने सिमिलर करने हैं, वन इज द स्मॉलर ट्राइंगल अनदर इज द बिगर ट्राइंगल. एक साइड हमें स्मॉलर ट्राइंगल की लेनी पड़ेगी, एक बिगर की लेनी पड़ेगी, तभी सिमिलरिटी होगी दोनों की. तो दिस इज 2.4 और इसको ऐड करोगे 2.4 एंड 3.6 को इट विल बिकम 6. आई थिंक दिस इज 2.4/6. 24/60 2/5 है ना. और अगर इसको देखें पी बी ओवर पी आर को 3.2/8 दिस इज ऑल्सो 2/5. ये छोटे ट्राइंगल की साइड हो गई, ये बड़े ट्राइंगल की साइड होगी. ठीक है, दिस इज द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल एंड दिस इज द साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल एंड दे आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, दो साइड्स हो गई प्रोपोर्शनल पी ए क्यू पी ए बी एंड पी बी क्यू की. पी ए बी एंड पी क्यू आर की हमारे पास दो साइड्स हो गई, वो प्रोपोर्शनल हो गई. मोर ओवर पी एंगल कॉमन, राइट. सो इसका मतलब ऑल द ट्राइंगल बोथ द ट्राइंगल्स दे गेट सिमिलर. सिमिलर हो गए तो पी ए ओवर पी क्यू इज इक्वल टू पी बी ओवर पी आर एंड थर्ड साइड कौन सी बची? ए बी अपॉन क्यू आर. ये सारे इक्वल हो गए. हमारे पास क्यू आर की वैल्यू एक्स है, इनमें से इसको किसी एक के साथ कंपेयर कर दो. हम इसके साथ कर देते हैं. पीबी इज 3.2, पीआर इज 4. पीआर वाज
एट एट पी आर एट था, ए बी की वैल्यू टू है एंड क्यू आर इज एक्स. सॉल्व इट, गेट द आंसर. कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी से विल डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. If a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides is divided in the same ratio. Theorem is known as area theorem, Pythagoras theorem, Thales theorem, Laplace theorem. Thales theorem. ठीक है, ऐसे questions भी आ सकते हैं. जैसे next है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then that line is going to be parallel to the third side. Which theorem? ये भी Thales converse है, पर ऑप्शन में अगर converse की जगह Thales ही लिखा हो, you can go with that. ठीक है? Next देखो, next question. We are having a triangle ABC. In which AD upon DB is AE upon EC. This is given to us that AD upon DB is equal to AE upon EC. आशिमा नोट करना सर. हरजोत, यशित, तृप्ति, भूमिका, यही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट. हरजोत कहाँ पे लिखे हुए आपने ऑनलाइन स्टूडेंट, बोलना जरा नेम्स इनके. भूमिका प्रेजेंट, हरजोत प्रेजेंट, तीसरा स्टूडेंट काव्यांश एब्सेंट, आदित्य प्रेजेंट, तृप्ति प्रेजेंट, प्रेजेंट. ठीक है, सो दिस इज गिवन दैट AD ओवर DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC एंड एंगल ADE दिस इज गिवन टू बी 70 डिग्री. ADE की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है. BAC दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री. वैल्यू ऑफ BAC दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल BCA? 70, 80, 50, 60. अब सबसे पहले हम इन दोनों में से अगर देखें तो कौन से ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर बन रहे हैं. ADE स्मॉलर ट्राइंगल और दूसरा ABC. नीचे वैसे 1DBE रहा है, DB नीचे कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 आपको ऐड करना पड़ेगा. अदरवाइज आप सीधा देख सकते हो, एज द रेशियो इज सेम AD upon DB is equal to AE upon EC. इसका मतलब sides क्या हो गई? Parallel. If the line divides in the same ratio, line get parallel. तो इसका मतलब DE हमारे पास BC के क्या है? Parallel. तो parallel lines के corresponding angles equal हैं. We need this BCA. हमें ये वाला angle चाहिए. This will be equal to AED. AED हमें given नहीं है. जो जो given है उसे हिसाब से देखते हैं. This is given to be 50. And ADE, this is given to be 70. हमारा टारगेट BCA पे पहुंचना है. जो वैल्यू इस AED की होएगी वही BCA की होएगी. तो AED by angle sum property is 60 degree, so is BCA 60 degree. Next. The parallel sides of a trapezium are, we are given a trapezium. A, B, C, D. Parallel sides of trapezium, they are given to be 3 centimeter and 9 centimeter. These are the two parallel sides of the trapezium which are given to us. The non-parallel sides are 4 centimeter and 6 centimeter. नॉन पैरेलल साइड्स की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दी हुई है. अ लाइन पैरेलल टू द बेस, अच्छा ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स इज 4 एंड 6 सेंटीमीटर. ठीक है, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स दे आर गिवन टू अस. लाइन पैरेलल टू बेस divide the trapezium into two trapezoids of equal perimeters.
इसके बीच में एक लाइन पैरेलल इसके आ गई बेस के, लेट इट बी ईएफ. सो दिस इज द पैरेलल लाइन विच इज पैरेलल टू द बेस. ठीक है, सो इट इज गिवन दैट दिस लाइन डिवाइड्स द ट्रेपेजियम इनटू टू ट्रेपेजियम ऑफ द सेम पेरीमीटर. सेम पेरीमीटर के दो ट्रेपेजियम में ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है. बट द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज डिवाइडेड. हमें फाइंड करनी है रेशियो नॉन पैरेलल साइड्स की, दैट मींस ये वाली रेशियो. ठीक है, अगर सपोज मैं इस हिस्से को एक्स ले लूं, दिस विल बिकम 4 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू द टोटल अगर हम देखें, और इस हिस्से को अगर हम वाई ले लें, दिस विल बिकम 6 माइनस वाई. राइट, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि दोनों ट्रेपीजियम्स के पैरामीटर्स क्या है, इक्वल है. देखो हमने पूरे क्वेश्चन में एक्स एंड वाई दो वेरिएबल सपोज किए हैं, इसका मतलब हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है. ठीक है, सो इसका मतलब दो हमें इक्वेशन चाहिए. पहली इक्वेशन हम लाने लगे हैं दैट दोनों ट्रेपीजियम के पैरामीटर्स क्या है, सेम है. तो अगर हम ऊपर वाले ट्रेपीजियम के पैरामीटर की बात करें तो दिस विल बी एक्स प्लस थ्री, इसको जेड कह दो, वाई प्लस जेड. दिस इज इक्वल टू बड़े ट्रेपीजियम का पैरामीटर थ्री, एक मिनट, नाइन प्लस सिक्स, और सॉरी दो ट्रेपीजियम्स का पैरामीटर, इस ट्रेपीजियम का पैरामीटर हो गया और नीचे वाले ट्रेपीजियम का पैरामीटर. इट इज डिवाइडिंग द होल ट्रेपीजियम इनटू द टू ट्रेपीजियम ऑफ द इक्वल पैरामीटर. सो ऊपर वाले ट्रेपीजियम का पैरामीटर लिखा पहले हमने, दिस इज एक्स प्लस थ्री प्लस वाई प्लस जेड. नीचे वाले ट्रेपीजियम का पैरामीटर नाइन प्लस सिक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस फोर माइनस एक्स. दिस लाइन डिवाइड्स द टू ट्रेपीजियम इनटू डिवाइड्स द होल ट्रेपीजियम इनटू टू ट्रेपीजियम ऑफ द सेम पैरामीटर. तो दोनों के पैरामीटर्स को मैंने इक्वल कर दिया. ठीक है, यहां से देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है. जेड गेट कैंसिल, सो यू विल बी हैविंग एक्स प्लस, सॉरी वाई, जेड गेट x plus 3 plus y is equal to 15 plus 4. This is 19 minus x minus y. इधर ले आओ 2x plus 2y, 19 minus 3, this is 16. So you are having x plus y is equal to 8. आपके पास first equation आ गई. दोनों ट्रेपीजियम, जो दो ट्रेपीजियम में इस लाइन ने पूरे ट्रेपीजियम को डिवाइड किया उसके अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग बाय यूजिंग द गिवन दैट दिस ट्रेपीजियम हैव इक्वल पैरामीटर्स, वी आर हैविंग वन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. राइट, नाउ इफ द टू ट्रेपीजियम दे आर डिवाइडेड इंटू इक्वल पैरामीटर्स देन देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल. कैसे, डी ई अपॉन ई ए, this is equal to cf upon fb. right, तो यहां से हम अगर कंडीशन लेके चलें, this is x over 4 minus x y upon 6 minus y. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट वन इक्वेशन इन x एंड y मोर, एक और इक्वेशन आ जाएगी x एंड y में, एक इक्वेशन x एंड y में ऑलरेडी यू हैव मेड, सेकंड यू विल मेक फ्रॉम हियर, एंड देन बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स you will solve those two equations for x and y. Karo isko solve. You will be having 6x. Acha. Haan, given hai. Parallel hai, to is wajah se divide hogi same ratio mein. Isko do variables mein cross multiply karke solve karne ki wajah, hum ek variable ki yahan se value replace kar dete. X ko aise hi rehne do. Y ki value x ki term mein replace kar do. Kya banegi? 8 माइनस एक्स, ये देखो मैंने रिप्लेस कर दिया इसको, आई हैव रिप्लेस्ड वाई विद एक्स. एक्चुअल में हमें चाहिए क्या, हमें रेशियो चाहिए साइड्स की, तो रेशियो के लिए आई नीड एक्स एंड वाई. तो यहां से मैंने वाई की वैल्यू को एक्स की टर्म में रिप्लेस कर दिया, पूरी इक्वेशन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी. करो इसको, दिस विल बी एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, अंदर लेके जाओगे माइनस 2 प्लस एक्स.
दैट इज टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. x into x minus 2, 4 minus x into 8 minus x. This will be x square minus 2x, 32 minus 4x minus 8x plus x square. Opening the brackets, x square get cancelled. So you will be having minus 2x, 32 minus 12x. This will be 10x. X is equal to 32, so x is equal to 3.2. x की वैल्यू आपके पास 3.2 आ गई सॉल्व करके. तो हमारे पास x एंड y में रिलेशन क्या था, x प्लस y इज इक्वल टू 8. यहां पे x की वैल्यू पुट करो 3.2, y कम्स आउट टू बी 4.8. ठीक है, x की वैल्यू 3.2 आई है और y की वैल्यू 4.8. नाउ यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स, x अपॉन दिस, x की वैल्यू पुट करके दिस अपॉन दिस. मुश्किल है थोड़ा सा क्वेश्चन. चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट. 4:1 इज द आंसर. और आपको पता है किसी एक की वैल्यू से भी आपका काम बन सकता था, जरूरी नहीं है इधर भी वाई की वैल्यू भी पुट, क्योंकि रेशो सेम है. आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, आप इधर एक साइड पे पुट करके रेशो निकाल दो, तो दैट विल गिव यू द ऑप्शन. नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्राइंगल. G, H, E, D is a rectangle which is inscribed in the triangle. G, H, E, D is a rectangle which is inscribed in the triangle. Perpendicular AF is drawn to the side BC. Perpendicular AF is drawn to the side BC. It is given that BC is equal to 12. This HE is equal to 6. मैं यहाँ लिख देती हूँ. BC is 12. HE is equal to 6. FC is equal to BF. And AF is equal to 24. ये चीजें हमें गिवन है. BC की वैल्यू, AF की वैल्यू, HC की वैल्यू एंड FC इज इक्वल टू BF. अब सबसे पहले देखो निकालना क्या, अभी बताती हूँ. हमें FC इज इक्वल टू BF दिया हुआ है, इसका मतलब, हाँ जी स्मर्थ जी आपकी बातें बंद होंगी. FC इज इक्वल टू BF हमें दिया हुआ है, व्हाट इट मींस, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. अगर ये पूरा 12 है तो हाफ ऑफ कितने हो गए, 6 इज. BF एंड CF की वैल्यू, BF एंड CF दोनों की वैल्यू हमारे पास 6 होगी by using the property that F is midpoint of BC, right? अब एक चीज और हमें given है, what we want to find area of rectangle GHED. इस rectangle का area we want to find, area of rectangle GHED. अब देखो अगर हमें इस rectangle का area find करना है, we need two things. One is its length, another is its width. ये तो हमें given है, एक dimension तो हमें given है 6. That means we need to find the value of GH. हमें किसी तरह से GH की value जो है वो find करनी है. अब अगर आप इस triangle का सिर्फ इतना portion ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा rub कर देती हूँ. अगर हम इस इतने triangle को देखें, ACF को, तो यहाँ पे you can see that this HE is parallel to AF. HE is parallel to AF. Actually, this angle is given to be 90 degree figure में. तभी ये जो है हमारे पास parallel हुई. क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 हो गया तो lines get parallel. So in triangle AFC, you are having HE parallel to
ए एफ एच ई पैरेलल टू ए एफ, ये पैरेलल होगी दोनों साइड्स। सो अगर ये साइड्स पैरेलल हुई तो हमें पता है पैरेलल एक लाइन, अगर ट्रायंगल की एक लाइन दूसरी लाइन के साइड के पैरेलल है, इट डिवाइड्स द अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। तो यहां से आपके पास बना नहीं, पहले इसकी इनकी सिमिलैरिटी देखेंगे दोनों, एक मिनट। ए एफ सी एंड ई एच सी, देखो दोनों सिमिलर हैं। इस छोटे ट्रायंगल में जो मैंने कंसीडर किया, इसमें जो दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं ए एफ सी एंड ई एच सी, आर दे सिमिलर? एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो जाएंगे, दो एंगल्स 90 डिग्री, ये 90 तो ये भी 90, इसका ये 90 इसका ये 90, एक एंगल ये हो गया, एक कॉमन हो गया, सिमिलर हो गए दोनों ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी से वी कैन गेट द रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल, ए एफ ओवर ई एच जो तो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, एफ सी ओवर एच सी, ठीक है, क्लियर है इतना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एफ? ए एफ की वैल्यू ऑल्टीट्यूड की 24 दी हुई है हमें, एंड ई एच इज गिवन टू बी 6, एफ सी 6, एंड दिस एच सी वी नीड टू फाइंड। देखो 6 4 24, सो इसको सॉल्व करोगे एच सी आपके पास 3/2 है। दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, एक बार देख लो कैलकुलेशन। हमें चाहिए रेक्टेंगल का एरिया, एक्स सी आया हमारे पास, इस एक्स सी से हम रेक्टेंगल के जो जो चीज रिक्वायर्ड है जी एच, इसका कुछ हिस्सा फाइंड कर सकते हैं क्या? एफ एच, क्योंकि व्हाट इज एफ सी? इट इज गिवन टू बी 6, सो आई एम फाइंडिंग एफ एच, दिस इज एफ सी माइनस एच सी, 6 - 3/2 एंड दिस कम आउट टू बी 9/2, ठीक है, ये 9/2 आ गया। अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल इधर से रब कर दूं, इधर बचा, सेम कॉन्सेप्ट लगाते हुए ये वाला हिस्सा भी कितना आ जाएगा? 9/2। करना नहीं है इसको, ना ही हमारे पास वो करने का कोई ऑप्शन होगा, टाइम होगा, हम सिर्फ इसको सिमिलरली सोच लेते हैं। ये 9/2 हुआ, निकाला हमने, ये भी 9/2, 9/2 प्लस 9/2 विल बिकम 9, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई कितनी ट्राइंगल की, सॉरी रेक्टेंगल की 9, और विड्थ हमें 6 ऑलरेडी दी हुई थी, तो व्हाट इज द एरिया? 54, ऑप्शंस आर 54, 56, 70, 62। दोबारा बताती हूँ, देखो ध्यान से, हमें इस रेक्टेंगल की एक डायमेंशन दी हुई है, दूसरी फाइंड करनी है। हमने क्या किया, इतने हिस्से को पहले टारगेट किया और अपने ये वाला हिस्सा ले लिया। इस हिस्से में अगर ये चीज मुझे निकालनी है तो मुझे बड़े ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल से, देखा मैंने सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मैंने साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी ली, ये साइड गिवन है, इसकी इसके साथ ले ली क्योंकि ये दोनों गिवन है, ठीक है, एंड मोर ओवर ये जो इधर वाली साइड्स हैं उनको प्रोपोर्शन कर दिया, उनकी प्रोपोर्शनलिटी कर दी। तो यूज करते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यू रीच दिस एच सी, चाहिए क्या? एफ एच, पूरे एफ सी में से 6 की वैल्यू एच सी माइनस किया, आपके पास एफ एच आ गया, सिमिलरली देयर, सो वी कंटिन्यू टू मूव।